Hello, children. Welcome back in GSE class. Children, today we will start our new chapter, chapter number 7. Okay, so you may open chapter number 7, page number 71. Chapter 7, Air. Children, Air. and water are very essential for us because without air and water we can't imagine our life है yeah? ना air और water क्या है हमारी life के लिए बहुत important है और इनके बगैर तो हम life के बारे में सोच भी नहीं सकते why air is very important for us because it is needed for breathing है yeah? ना we breathe air that's why it is important और अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे एयर नहीं हमें मिलेगी तो क्या होगा वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव ओके सो दिस वर्ड इज वेरी फेमुलर फॉर यू हाँ एयर ओके वी नो एयर एयर इज कलरलेस दैट्स वाई वी कांट सी एयर ओनली वी कैन फील एयर है ना हमें सिर्फ फील कर सकते हैं हम एयर को हमें ये दिखाई नहीं देती क्योंकि ये कलरलेस होती है ओके चिल्ड्रन एयर एंड वाटर बोथ आर एसेंशियल फॉर अस यस इन योर प्रीवियस क्लास ऑलरेडी यू हैव रिवाइज यस यू हैव रेड अबाउट द एयर पढ़ा है ना आपने अपनी प्रीवियस क्लास में एयर के बारे में सो hmm? so, um, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर ठीक है सो स्टार्ट चैप्टर एयर एंड वाटर बोथ आर इसेंशियल फॉर अस ठीक है एयर और वाटर दोनों ही बहुत ज्यादा इसेंशियल हैं हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वॉटर ऑन इट देखो आपको पता है ना कि इतने सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लानट है जहाँ पे क्या है लाइफ है है ना वाई देर इज लाइफ पॉसिबल ऑन दी अर्थ बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर ठीक है अर्थ में एयर और वाटर प्रेजेंट है इसीलिए यहाँ पे लाइफ है बाकी दूसरे प्लानट्स में लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ पे एयर और वाटर नहीं है okay so due to the air and water life is possible on earth so it, air and water very essential for our life okay the air has surrounded us from all sides air is everywhere even in an empty box in the cracks of rocks and also in वॉटर यस चिल्ड्रन एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर एवरीवेयर मीन्स सभी जगह चाहे वो एम टी बॉक्स है एम्पटी बॉटल है आ, आपका वॉटर है कोई क्रैक्स है सब जगह एयर एवेलेबल है ओके okay? अगर वाटर में एयर नहीं होता तो जो वाटर एनिमल्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते है न सो एयर इज प्रजेंट एवरीवेयर ओके एयर इज कलर लेस टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस कोई स्मेल होती है एयर की नहीं होती है है ना अगर हमें स्मेल आती है एयर में तो हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है कोई डर डी स्मेल आ रही है लेकिन प्योर एयर जो होता है उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है ठीक है अगर एयर में कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स हैं तभी जाके हमें उसकी क्या है एक स्मेल आती है ठीक है अगर स्मोक कोई चीज बर्न हो रहा है तो एयर में कैसी बर्निंग स्मेल आती है है ना और अगर आ, कोई स्वीट फ्लावर की फ्रेगनेंस है तो हमें एयर में फ्लावर की फ्रेगनेंस की स्मेल आती है बिकॉज एयर की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है ओके एयर इज ऑर्डरलेस ठीक है एंड कलरलेस एयर क्या है कलरलेस है इसीलिए हमें क्या है एयर दिखाई नहीं देता है ओके एंड इट इज टेस्टलेस एयर की कोई टेस्ट भी नहीं होता है ओनली वी कैन फील एयर ओके